हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद फन बातचीत। सो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि जो बच्चे इस बार नीट एग्जाम देने वाले हैं उनको क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है, क्योंकि ये वाला जो एग्ज़ाम है ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा स्पेशल है, क्योंकि भाई कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस की वजह से कुछ और चीज़ें इंक्लूड हो गई हैं जो कि तुम्हें इस बार एग्ज़ाम सेंटर पर लेकर जानी है। बहुत सारे कमेंट्स आए हैं मेरे पास, लॉट ऑफ कमेंट्स रिलेटेड टू द ड्रेस कोड, मैम क्या पहनकर जाएं, क्या पहनकर जाएं, क्या पहनकर जाएं। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के अंदर देने वाली हूँ, क्या क्या लेकर जाना है, कैसे कब कहाँ पर साइन करने हैं, एवरीथिंग आई एम टेलिंग यू इन दिस वीडियो। तो अगर कोई भी कन्फ्यूजन है सो वॉच दिस वीडियो, अगर नहीं भी है तब भी इस वीडियो को देख लो, जिससे कि तुम्हारी कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ ना छूटे। एंड हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे बच्चों तक बिल्कुल राइट इन्फॉर्मेशन पहुँचनी चाहिए। तो आई एम स्टार्ट विद द पॉइंट वन, और ये जो मैंने यहाँ पर एक पीडीएफ रखा है, ये पीडीएफ मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर दूंगी इन द कमेंट सेक्शन, तो चेक कर लेना। अदरवाइज मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, वहां पर भी मैं डाल दूंगी, तो तुम लोग वहां पे चेक कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं फॉर नीट 2020। सबसे पहले तुम्हें अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है, वो आई होप कर लिया होगा अब तक। उसके दो प्रिंट आउट निकालने हैं, मतलब कि दो प्रिंट आउट के सेट निकालने हैं, एक जो कि तुम वहां पर एग्जामिनर को दे दोगे और दूसरा जो तुम्हें अपने पास रखना है। इतना समझ आया? उसके बाद सेकंड पॉइंट, चेक ऑल द डिटेल्स प्रिंटेड ऑन इट, जो भी उसमें डिटेल्स दी हुई है उनको देखो कि वो ठीक है या नहीं है। द फर्स्ट पेज इट सेल्फ एडमिट कार्ड कम सेल्फ डिक्लेरेशन, जो पहला पेज है उस पर क्या लिखा हुआ है, सेल्फ डिक्लेरेशन। ये चीज नई ऐड हुई है ड्यू टू कोरोना वायरस, कोरोना वायरस की वजह से ये चीज को ऐड किया गया इन द एडमिट कार्ड, जहां पर आप खुद से डिक्लेयर कर रहे हो कि मुझे कोरोना वायरस नहीं हुआ है, या फिर अगर हुआ भी है, या मैं 14 डेज में कहीं पर ट्रैवलिंग मैंने की है नहीं की है, या किसी ऐसे पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट में तो नहीं हूँ जिसके जिसको कभी कोविड 19 हुआ था। तो ये सब तुम्हें सेल्फ डिक्लेरेशन करना होगा। थर्ड पॉइंट है, फिल द ए बी सी डी पॉइंट्स अंडर सेल्फ डिक्लेरेशन। सेल्फ डिक्लेरेशन को आपको पहले ही भर के रख लेना है, वहां पर एग्जाम सेंटर पे जाकर मत फिल करना, अदरवाइज तुम सब बहुत पैनिक हो जाओगे। तो प्लीज इसको पहले से ही कंप्लीट करके रखो। नाउ नेक्स्ट, पुट द लेफ्ट थंब इंप्रेशन क्लियर, जो तुम्हारे लेफ्ट थंब का तुम्हें इंप्रेशन देना है उसको क्लियरली वहां पर लगा सकते हो, और वो एग्जाम सेंटर पे नहीं करना है, वो तुम घर से भी कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट, टेक योर पेरेंट सिग्नेचर, अपने पेरेंट्स से सिग्नेचर ले लो, और तुम्हारे जो सिग्नेचर है जो तुम्हें साइन करने हैं वो तुम एग्जाम सेंटर पे जाकर ही करना, ठीक है? वो यहाँ पे मत कर लेना घर पे बैठ के, अपने पेरेंट्स से सिग्नेचर तुम अपने घर पे करवा सकते हो। नाउ नेक्स्ट, डोंट साइन योर सेल्फ नाउ, ऑलरेडी आई टोल्ड यू द फॉलोइंग थिंग्स विल बी अलाउ। अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि क्या क्या चीज़ें अलाउ हैं जो कि आप एग्जाम सेंटर में लेके जा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ भाई, एडमिट कार्ड लेकर जाना ही है, जो कि फिल होना चाहिए, खाली ना हो, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लाइक पेरेंट्स के साइन है, तुम्हारा लेफ्ट थंब का इंप्रेशन है, वो सब तुम्हें फिल करके लेकर जाना है। नाउ नेक्स्ट, ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ, फोटो आईडी प्रूफ तुम्हें ओरिजिनल लेकर जानी है, मतलब कि या तो तुम्हारा आधार कार्ड होना चाहिए, या फिर पैन कार्ड, या फिर 10th की या 12th की मार्कशीट, या फिर तुम्हारा वोटर आईडी, शायद नहीं बना होगा वोटर आईडी, जिसका बन गया वो वोटर आईडी भी ले जा सकता है, पासपोर्ट एंड ऑल, इसमें फोटो लगा हो। उसके बाद तुम्हें एक ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल ज़रूर लेकर जानी है यार बच्चों, ये ज़रूर लेकर जाना, ये बहुत ज़्यादा रिक्वायर है, क्योंकि इस बार वहाँ से तो मिलने वाली है नहीं तुम्हें वाटर बोतल, तो तुमको खुद से लेकर जाना है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सैनिटाइजर की छोटी सी 50 ml वाली बोतल लेकर जाना, जो कि ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, जिससे कि तुम अपनी सेफ्टी खुद से कर सको। ऑलरेडी वहाँ पर सैनिटाइजर मिल जाएगा तुम्हें एग्जाम सेंटर में, अलग अलग जगह पर रखा होगा, बट अपनी सेफ्टी तुम्हारी खुद के हाथों में है। मैं नहीं चाहती या कोई भी नहीं चाहता कि तुम में से कोई भी बच्चा एग्जाम लेकर आए और जब लौट कर आए तो उसको पता चले कि उसको कोरोना हो गया, तो तुम्हें अपनी केयर खुद से करनी है। नाउ नेक्स्ट, मास्क लेकर जाना है, ग्लव्स लेकर जाने हैं, ब्लू एंड ब्लैक कलर बॉल पॉइंट पेन लेकर जाना है, ठीक है? ये याद रखो, बॉल पॉइंट लेकर जाना है, जेल मत लेकर जाना, बहुत सारे कलर पेन वगैरह मत लेकर जाना, वहां पर तुमको थ्योरी नहीं लिखनी है, तुमको बस ब्लैक एंड ब्लू ये दो पेन लेकर जाने हैं, वो भी कैसे होने चाहिए, बॉल पॉइंट वाले, ठीक है? नाउ अभी बात आती है बच्चा ड्रेस कोड की, ड्रेस कोड क्या पहनकर जाओगे। तो ड्रेस कोड में तुम्हें बिल्कुल कैजुअल ड्रेस पहनकर जानी है, जिसमें हैवी बटन्स ना हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बच्चे मुझसे बार बार पूछ रहे हैं मैम ग्रीन कलर पहन सकते हैं, ब्लैक कलर पहन सकते हैं, डेफिनेटली तुम कलर कोई सा भी पहन सकते हो, कलर में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बट बड़े बड़े बटन्स नहीं होने चाहिए, ज़्यादा बड़े बड़े एम्ब्रॉयडरीज नहीं होनी चाहिए कपड़ों पर, बिल्कुल सिंपल कपड़े पहनकर जाने हैं।
नाउ नेक्स्ट लॉन्ग हैंड्स और स्लीव्स, ठीक है, मतलब स्लीव्स जो है वो लॉन्ग होनी चाहिए। जीन्स ड्रेस तुम्हें नहीं पहनकर जानी है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम लंबी लंबी यहाँ तक मतलब इतनी इतनी ग्लव वो पहनकर जाओ, क्या कहते हैं लाइक कपड़ों में जो स्लीव्स होती है ना वो यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, पहली इंपॉर्टेंट बात। उसके बाद तुम्हारी जीन्स नहीं होनी चाहिए, और अगर जीन्स पहनकर जा भी रहे हो, 1% अगर मैं बोल रही हूँ कि अगर जा भी रहे हो, वैसे तुम्हारे पास और भी बहुत सारे कपड़े होंगे, ठीक है, अगर जीन्स पहन भी रहे हो तो प्लीज़ बहुत हल्के से कपड़े की पहनना, इससे तुम्हें प्रॉब्लम ना हो वहाँ पर। और नेक्स्ट हैवी एम्ब्रॉयडरी वर्क तुम्हें पहनकर नहीं जाना है, हैवी बकल बेल्ट्स जो होते हैं वो तुम्हें नहीं पहन के जानी है, भारी भारी जो बेल्ट्स लड़के लगाते हैं वो नहीं लगानी है। नाउ कैजुअल चप्पल पहनकर जाओ, शूज़ नहीं पहनकर जाना, और जो मोटे मोटे वाले शूज़ होते ना वो तो बिल्कुल भी पहनकर मत जाना, हाई हील्स वाले, ठीक है, और ऐसा करो ना सिंपल सी चप्पल पहनकर जाओ, फ्लैट वाली को अच्छी है। कोई डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस पहनकर नहीं जानी है, क्योंकि उससे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी तुम सबके लिए, एक तो तुम्हारी वॉच कहीं चली जाएगी कहीं खो गई तो, और दूसरी बात है कि ले जाना अलाउड ही नहीं है। उसके बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एग्जाम हैंडओवर, जब तुम्हारा एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा तो तुम्हें क्या क्या देना है, इन्वेजिलेटर को अपनी OMR शीट जिसपे तुमने लिखा है सब कुछ, मतलब गोले बनाए हैं वो OMR शीट, उसके अलावा जो ऑफिस कॉपी है उसकी साथ में एक और कॉपी आती है वो तुम्हें देनी है। उसके बाद जो एडमिट कार्ड है वो भी तुमको एक देना है, मैंने बताया था ना दो सेट ऑफ एडमिट कार्ड बनाने हैं तुम्हें, एक तुम अपने पास रखोगे एक तो दे दोगे इन्वेजिलेटर को। नाउ नेक्स्ट कुछ चीज़ें मैं तुम्हें और सजेस्ट कर रही हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है, परचेज द ग्लव्स अर्ली दैट कम्फर्टेबल टू यूज़ इन एग्जाम हॉल, पहले ही अभी से ही अपने मास्क और अपना जो भी ग्लव्स तुम यूज़ करने वाले हो एग्जाम सेंटर पर वो खरीद लो, अभी से पहन के बैठो तो तुम्हारे लिए कम्फर्टेबल हो जाएगा, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि ये चीज़ पहली बार हो रही है, बड़ा मुश्किल है कि डॉक्टर बनने से पहले बिल्कुल डॉक्टर की तरह जैसे कि सर्जरी करने जा रहे हो मास्क पहनो ग्लव्स पहनो, तो ठीक है जो हो रहा है पर तुम्हें अपनी केयर खुद से करनी है। चेक योर एग्जाम सेंटर पर्सनली वन डे बिफोर द एग्जाम डे, एग्जाम वाले दिन अगर तुम जा रहे हो ना देखने के लिए कि कहाँ पर है मेरा सेंटर, तो बड़ा परेशान हो जाओगे, सेंटर नहीं मिलता है, यहाँ सेंटर है वहाँ सेंटर, दिमाग घूम जाता है, तो इट्स फार बेटर कि एक दिन पहले जाकर देख लो कि सेंटर कहाँ पर है, कौन से स्कूल में है कौन से कॉलेज में है। नेक्स्ट रीच योर एग्जाम सेंटर एटलीस्ट 2 hours बिफोर रिपोर्टिंग टाइम, रिपोर्टिंग टाइम से पहले पहुंच जाओ तो ज्यादा बेटर है, जिससे कि तुम्हारे जो भी काम है वो इजिली हो जाए। अच्छा जो बच्चे कस्टम ड्रेस पहनकर जा रहे हैं, मतलब कि उनकी अगर ऐसी ड्रेस है जो कि उनके रिलीजन से रिलेटेड है लाइक बुरखा पहनकर जा रहे हो अगर आप, तो आपको क्या करना है जल्दी पहुंचना है एग्जाम सेंटर पर, जिससे कि तुम्हारी जो भी इन्वेस्टिगेशन है जो भी चेकिंग होनी है वो अच्छे से प्रॉपरली हो जाए। नाउ टेक लाइट फूड ऑन द डे ऑफ द एग्जाम, जिस दिन एग्जाम है उस दिन थोड़ा सा कम खाना, मतलब लाइट फूड लेना, फॉर एग्जाम्पल उन लोग जूस लेना, फ्रूट लेना, ड्राई फ्रूट लेना जो कि तुम्हें एनर्जी प्रोवाइड करें, बर्गर चाउमीन सैंडविच चीज़ें पर खा के बिल्कुल मत जाना वरना तुम्हें अजीब सा लगेगा, और लाइट चीज़ें खाना तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। जूस पीना, दूध अगर तुम्हें नहीं पी मिलता है तो दूध को इग्नोर कर देना, क्योंकि कुछ लोगों को दूध से उल्टी आ जाती है, तो दूध न पी के जाना, जूस पी सकते हो, जूस बहुत अच्छा रहेगा तुम सबके लिए, फ्रूट ज़रूर खाना, ठीक है। एंड दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यार पैनिक मत होना, बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम अच्छा होगा, डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा, तुमने जितनी अच्छी पढ़ाई की है उस हिसाब से बिल्कुल वैसे ही एग्ज़ाम होने वाला है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी की सारी मैंने इसमें इंक्लूड कर दी हैं, तुम्हें क्या लेकर जाना है तुम्हें क्या पहन कर जाना है, तो आई होप तुम सबको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, अब तुम्हें से कोई बच्चा कन्फ्यूज नहीं होगा, अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तुम मुझसे पूछ सकते हो इन चैट सेक्शन। उसके अलावा कपड़ों के रंग में कन्फ्यूज मत हो, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए, मैम मैं नेट की ड्रेस पहन के जा सकती हूँ, मैम मैं ब्लैक कलर के कपड़े पहन सकती हूँ, ग्रीन कलर के कपड़े पहन सकती हूँ, शर्ट पहन सकते हैं, स्कर्ट पहन सकते हैं, तो बच्चा सिंपल से सिंपल कपड़े पहन के जा रहे हैं, डांस करने नहीं जा रहे हो, वहाँ शादी में नहीं जा रहे हो, किसी के बर्थडे पार्टी नहीं है, तुम्हें एग्जाम देने जाना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड बहुत अच्छे से अपना एग्जाम प्रिपेयर करोगे, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कुछ भी हो जाए तुम्हें बस अपना एग्जाम अच्छे से करना है, ठीक है। सो नाउ बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बस अच्छे से पढ़ाई करते रहो।